हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AS Academy। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस ऑफ पोर्टल फ्रेम। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। वी हैव डिस्कस्ड टाइप ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। देर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, पोर्टल फ्रेम एंड बिल्डिंग फ्रेम। सो टूडे फ्रॉम टूडे वी विल स्टार्ट द स्टडी ऑफ पोर्टल फ्रेम एंड वी विल डिज़ाइन अ पोर्टल फ्रेम कम्प्लीटली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ पोर्टल फ्रेम, हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि हम एनालिसिस करने के बाद डिज़ाइन करते हैं। और एनालिसिस में हमारा काम क्या होता था, एनालिसिस में हम रिएक्शन पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। ओके, लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, तो ये रिएक्शन पैरामीटर की जो क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं ये अल्टीमेटली हम कैलकुलेट करते हैं और इन्हीं के लिए फिर आगे चल के हम डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर को। तो हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए होती हैं और उनकी हेल्प से हम क्रिटिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दो तरह की मेथड्स होती हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ चुके हो। फर्स्ट मेथड होती है फोर्स मेथड एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। इनके अंडर भी कई सारी मेथड्स होती हैं लाइक थ्री मोमेंट थ्योरम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स में भी दो मेथड होती हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देन कंजुगेट बीम मेथड, कॉलम एनालॉगी मेथड, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, तो डिफरेंट मेथड्स होती हैं। हम किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ अवर स्ट्रक्चर। और डिपेंड भी करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड उनके जो भी उनकी इंडिटर्मिनेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग मेथड भी सुटेबल होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड की अलग अलग सुटेबिलिटी रेंज होती है। यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। जो हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस उनमें मोस्ट प्रोबेबली मैट्रिक्स मेथड या फिर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मेथड्स यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम मैनुअल करने वाले हैं एनालिसिस, सो वी विल यूज़ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, तो कोई भी एक मेथड यूज़ करके हम रिएक्शन पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, उनके क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फर्दर हम डिज़ाइन करेंगे और जो भी स्पेसिफिकेशन होंगे कंपोनेंट्स के वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अगर हम पोर्टल फ्रेम RCC पोर्टल फ्रेम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ AC सीट ट्रूप यूज़ किया है हमने, तो उसके लिए एक हैंडबुक भी है SP 43 1987, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं इस तरह के पोर्टल फ्रेम को एनालाइज करने के लिए और उसकी डिज़ाइन करने के लिए। ओके, तो डिटेल में समझते हैं आगे कि एनालिसिस हम करेंगे कैसे। तो हियर इज एन एग्जांपल, अ पोर्टल फ्रेम विथ एंड हिंज्ड टू बी एनालाइज्ड फॉर द फॉलोइंग डेटा। स्पेसिंग ऑफ द पोर्टल फ्रेम इज 4 मीटर, हाइट ऑफ द कॉलम इज 4.5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम सेंटर इज 9 मीटर एंड लाइव लोड ऑन द रूफ इज 1.5 kN/m². द RCC स्लैब इज प्रोवाइडेड ओवर द पोर्टल फ्रेम, फाइंड द डिज़ाइन मोमेंट एंड शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन। तो हमें यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की फॉर द गिवन स्पेसिफिकेशन। द पोर्टल फ्रेम, इन दिस पोर्टल फ्रेम बोथ एंड आर हिंज्ड, द स्पेसिंग ऑफ लेंथ ऑफ बीम और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ कॉलम इज 9 मीटर, द हाइट ऑफ द कॉलम इज 4.5 मीटर एंड द स्पेसिंग बिटवीन टू पोर्टल फ्रेम इज 4 मीटर। जो इसके पीछे एक और पोर्टल फ्रेम होगा उसके बीच, दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है 4 मीटर है। लाइव लोड दिया गया है कि रूफ के थ्रू कितना लाइव लोड आएगा इन द फॉर्म ऑफ UDL, यह है 1.5 kN/m². और यहाँ पे RCC स्लैबिंग दी हुई है, तो इस कंडीशन के लिए हमें इसको एनालाइज करना है और क्रिटिकल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं।
वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम देखेंगे कि एनालिसिस हमें कैसे करना है। ऑलरेडी हम ये मेथड्स पढ़ चुके हैं, बस आपको रिमाइंड करना है तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप वन, जो भी आपके पास गिवन डेटा है यू कैन पुट हियर। देन इन स्टेप टू हम यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट चलेंगे, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट चलेंगे। तो सबसे पहले शेप और साइज़ की बात कर लेते हैं, बिकॉज विदाउट शेप एंड साइज वी कैन नॉट कैलकुलेट लोड। और जब तक हमारे पास लोड नहीं होगा तो हम उसमें एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एक अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन हमें सेट करनी होगी इसके हर एक कंपोनेंट की, लाइक इसमें स्लैब है, बीम है, कॉलम है, पोर्टल फ्रेम है। तो इन तीनों की एक अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन हमें सेट करनी होगी, उसके बाद ही हम फर्दर वर्क इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शेप एंड साइज ऑफ कंपोनेंट ऑफ पोर्टल फ्रेम, जो भी इसके कंपोनेंट हैं उनके शेप साइज सेट कर लेंगे। तो इसमें पहला कंपोनेंट है बीम। सबसे पहले हम बीम की डायमेंशन सेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बीम के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन फाइंड आउट करने होंगे, सेट करने होंगे। वो अप्रॉक्सीमेट भी हो सकते हैं, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, आगे चल के देखेंगे। पर यहाँ पे एक बेंच मार्क के लिए हमें कुछ ना कुछ डायमेंशन सेट करनी होगी। तो जो हम थंब रूल यूज़ करते थे आरसीसी वन में बीम डिज़ाइन करते समय, उसी थंब रूल की हेल्प से हम यहाँ पे बीम के डायमेंशन सेट करेंगे। लाइक एक तो हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया से डेप्थ सेट करते थे, और एक जो थंब रूल से डेप्थ सेट करते थे, वहाँ पर जो बीम की डेप्थ होती थी वो होती थी एल वाई 12 टू एल वाई 15। इस रेंज में हम बीम की डेप्थ को सेट करते थे। तो अगर यहाँ पे हम इस थंब रूल से बीम की डेप्थ को सेट करेंगे तो लेंथ अपने पास है कितना, 9 मीटर mm में 9000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 टू 9000 डिवाइड बाई 15। तो जो यहाँ पे डेप्थ आएगी वो अपने पास होगी लगभग 750 टू 600 mm के बीच में। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो इस रेंज में हम कोई भी डेप्थ यहाँ पे बीम के लिए सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ 600 mm ले लेते हैं, और ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे आपकी हो जाएगी 650। सो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इज 600 mm, एंड और अगर एक नॉमिनल या एक एवरेज क्लियर कवर इफेक्टिव कवर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हम 40-50 mm प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम कैपिटल डी, कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर। तो ओवरऑल डेप्थ अपने पास आ जाएगी 650 mm। अगर विथ की बात करें तो विथ भी हम एक अप्रॉक्सीमेट सेट करते हैं, एक लिमिट विथ और डेप्थ में एक रेशियो होता है जो कि हम 1/2 1/3 कर सकते हैं ओवरऑल डेप्थ का। तो यहाँ पे विथ ऑफ बीम हम अप्रॉक्सीमेटली हाफ कर लेते हैं, दैट इज 300 mm। सो प्रोवाइड बीम ऑफ, जो यहाँ पे बी क्रॉस डी है ये हो जाएगा 300 क्रॉस 650 mm। तो ये हमने सेट कर ली है बीम की डायमेंशन। आगे चल के जब डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे हमें श्योर होगा कि ये सूटेबल है कि नहीं है, वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। बट अभी बेंचमार्क के लिए डिज़ाइन एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ अप्रॉक्सीमेट डेप्थ सेट करनी थी। तो ये डायमेंशन हो जाएगी बीम की जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट कॉलम है, तो बीम के अप्रॉक्सीमेट बीम के अकॉर्डिंग ही कॉलम की डेप्थ भी आती है। तो यहाँ पे भी हम इसको एज्यूम ही करेंगे। तो सेकेंड जो कंपोनेंट है दैट इज़ कॉलम,
लेट्स प्रोवाइड कॉलम ऑफ 300x500 mm. अभी के लिए हम जो एज्यूम कर रहे हैं बीम के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेते हैं, 300x500 mm का हम कॉलम दे रहे हैं। अगर रफ हम सेट करेंगे रफली, तो एक परसेंटेज जो मिनिमम परसेंटेज या रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है उसकी हेल्प से, एक थंब रूल से हम यहाँ पे कॉलम की डायमेंशन को इनिशियल डिज़ाइन एनालिसिस के लिए सेट कर सकते हैं। देन बीम में स्लैब है, RCC स्लैब है, तो उसका लोड भी आएगा, डेड लोड, लाइव लोड, सब कुछ। तो यहाँ पे जब हम RCC स्लैब का डेड लोड या सेल्फ वेट कैलकुलेट करेंगे तो उसकी डायमेंशन भी रिक्वायर्ड होगी। तो थर्ड कंपोनेंट है स्लैब, तो स्लैब की भी डायमेंशन हमें सेट करनी होगी। ये भी हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया से सेट करेंगे। जैसा कि आपने देखा है जो LYD रेशियो होता है स्लैब के लिए, वन बेस स्लैब के लिए स्पेशली, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर इस स्लैब का हम प्लान व्यू देखें, ठीक है ना, तो ये 4x4 meter पे स्पेस्ड है। ये जो स्पेसिंग है हर एक कंपार्टमेंट की 4 meter है, तो ये वाली स्पेसिंग 9 meter है। तो ये कॉलम जो, ये जो स्लैब है आपका, ये चारों साइड से सेलेक्ट सपोर्टेड है। तो इस केस में हमें इसको क्लासिफाई करना होगा कि आपका जो स्लैब हो किस कैटेगरी में आएगा, वन वे होगा या टू वे होगा। तो जब स्लैब चारों साइड से सपोर्टेड होता है तो वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं आस्पेक्ट रेशियो, ठीक। आस्पेक्ट रेशियो होता है लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान, तो 9/4, तो ये वैल्यू आपकी 2 से ज़्यादा आएगी। तो जब आस्पेक्ट रेशियो 2 से ज़्यादा होता है तो उस केस में जो स्लैब है दैट इज़ वन वे स्लैब, और अगर 2 से कम है तो 2 वे स्लैब होता है। तो जो हमारा स्लैब का की कैटेगरी है वो है वन वे स्लैब। तो यहाँ पे जो LYD रेशियो हम अप्लाई करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे फॉर द वन वे स्लैब, ओके। तो LYD रेशियो जनरली 25-30 के बीच में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्चुअली 26 होता है, बट जब हम मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज़ करते हैं तो यह वैल्यू थोड़ा बहुत वेरी करती हैं, ओके। तो इस रेंज में हम कोई सा भी वैल्यू यूज़ करते हैं, कर सकते हैं फॉर वन वे स्लैब। तो सपोज़ यहाँ पे हम 26 यूज़ कर रहे हैं, LYD इक्वल टू 26, 25 भी यूज़ कर सकते हैं, 30 भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जब हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया देखते हैं तो LYD रेशियो पे कुछ मॉडिफिकेशन फैक्टर भी अप्लाई होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील पे और भी कई सारे पैरामीटर्स पे, डायमेंशंस पे, क्रॉस सेक्शंस पे। तो ये वैल्यू थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। आपको अगर ध्यान होगा तो हम मॉडिफिकेशन फैक्टर K1, K2, K3, K4 यूज़ करते थे, तो ये वैल्यू थोड़ा सा डिफ़र हो जाती थी, वेरी करती थी। तो ये वैल्यू और भी डिफ़र कर सकती है, सपोज 28 या 30 हो सकती है। तो जनरली यहाँ पे हम एक डेप्थ यूज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर अप्लाई करेंगे तो सपोज़ ये 30 हो गया, इस केस में जो अपनी डेप्थ आएगी अप्रॉक्सीमेटली 133 और 134 के आसपास आएगी। तो यहाँ पे हम एक ओवरऑल डेप्थ सेलेक्ट कर लेते हैं 125 mm। लेट्स प्रोवाइड ओवरऑल डेप्थ 125 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ जो है उसमें 25 mm कवर अगर हटा दें अपन तो, एंड इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 100 mm। तो ये सब अप्रोक्सीमेट अभी डेटा है, ठीक ना, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, आगे चल के चेंज भी हो सकते हैं। तो इनिशियल एनालिसिस के लिए हमने तीनों कंपोनेंट की डायमेंशन सेट कर ली है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ओवरऑल डेप्थ है वो 125 है, जो अब हम डेड वेट सेल्फ वेट कैलकुलेट करेंगे तो इसी के लिए कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने तीनों कंपोनेंट की डायमेंशन सेट कर ली है, बीम, कॉलम और स्लैब। नेक्स्ट अपना जो स्टेप होगा वो होगा लोड कैलकुलेशंस का। थर्ड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ लोड। तो टॉप टू बॉटम हम चलते हैं, ठीक है ना, लोड एनालिसिस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्लैब के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन बीम, देन कॉलम। फॉर स्लैब
डेड लोड, या इसी को हम सेल्फ वेट भी बोल सकते हैं, डेड लोड ऑफ स्लैब इक्वल टू, डेड लोड निकालने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया को डेंसिटी ऑफ आरसीसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो स्लैब के केस में डेप्थ को मल्टीप्लाई करते हैं किलो न्यूटन पर मीटर, पर मीटर लेंथ के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, या पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़ फॉर स्लैब। तो यहाँ पे जो डेप्थ है विथ 1 मीटर, और जो डेप्थ है बीम की सॉरी स्लैब की, वो अपने पास है 125 mm, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.125। और डेंसिटी ऑफ आरसीसी होती 25 kN/m³। तो यहाँ से हमें डेड वेट मिल जाएगा स्लैब का, और ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन फ्लोर फिनिश भी आएगा इसमें, फ्लोर फिनिश या रूफ फिनिश, ये हम कोड से यूज़ कर लेंगे, या जो जनरल मिनिमम वैल्यू होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं, 0.6 kN/m². लाइव लोड ऑलरेडी दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, ये वैल्यू है 1.5 kN/m². तो ये तीनों चीज़ें मिलके स्लैब के लोड को कंसिडर करेंगे, तो टोटल लोड ऑन स्लैब, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें स्लैब पे टोटल लोड मिल जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5.225 kN/m². तो ये भी स्लैब में टोटल लोड आया है पर मीटर लेंथ के लिए और पर मीटर विड्थ के लिए। जो अब अपने पास स्पेसिंग है दो पोर्टल फ्रेम के बीच की, वो 4 मीटर है। जब ये 4 मीटर, ये लोड 4 मीटर का टोटल स्पान कवर करेगा, तो वो टोटल लोड बीम में ट्रांसफ़र होगा। तो बीम में कितना लोड जाएगा वो देखते हैं। एज द स्पेसिंग ऑफ पोर्टल फ्रेम इज 4 मीटर, सो टोटल लोड ऑन बीम फ्रॉम पोर्टल फ्रेम कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 4 × जो अपने स्लैब में लोड आ रहा है 5.225, ये वैल्यू हो जाएगी 20.9 kN। अब यहाँ पे केवल मीटर बचेगा, लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अभी पोर्टल फ्रेम से बीम में लोड आया है, बीम का कुछ सेल्फ वेट भी होगा, सेल्फ वेट ऑफ बीम। तो बीम के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमें आरसीसी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 300/650, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.365 × डेंसिटी ऑफ आरसीसी इज 25 kN/m³। तो बीम इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.875 kN/m³। तो अब बीम में टोटल लोड कितना आएगा, तो वो बीम में आने वाले पोर्टल फ्रेम का लोड और बीम का सेल्फ वेट है, दोनों मिलके होंगे, सो टोटल लोड ऑन बीम इक्वल टू, ये वैल्यू इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाली वैल्यू और 4.875, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लोड बीम में हो जाएगा 25.775 kN/m³। इतना टोटल लोड बीम पे एक्ट करेगा, लेकिन अभी ये वर्किंग लोड है, ये भी डिज़ाइन लोड में हमने कन्वर्ट नहीं किया है। तो टोटल डिज़ाइन लोड ऑन बीम,
उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे वर्किंग लोड में, तो हमें डिज़ाइन लोड मिल जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 38.662। किलोन्यूटन पर मीटर। तो इतना टोटल लोड बीम बीम में एक्ट करेगा और इसी लोड के लिए हमें बीम को डिज़ाइन करना होगा 38.662। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब लोड हमें पता चल गया है बीम में कितना आ रहा है थ्रू पोर्टल फ्रेम। तो अब जब बीम को डिज़ाइन करेंगे या हम पूरे पोर्टल सॉरी एनालिसिस करेंगे या पूरे पोर्टल फ्रेम को एनालिसिस करेंगे, तो एक बार इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पता है अभी। तो अगर हम पोर्टल फ्रेम को यहाँ पे ड्रॉ करें, ये अपने पास पोर्टल फ्रेम है, द एंड आर हिंज्ड, दैट लेंथ इज 9 मीटर, द हाइट इज 4.5 मीटर, एंड हमें अभी इस बीम पे लोडिंग पता चली है, राइट। इसके ऊपर क्या है, स्लैब भी है, तो इसके थ्रू जो लोडिंग आ रही है वो हमें पता है, राइट। और जो अभी ये कॉलम की लेंथ है वो हमें बीम बीम के टॉप से पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बीम का पैटर्न बन रहा है वो समझना है। बीम सबसे पहले उसके ऊपर स्लैब है और फिर अपने पास बीम है, तो कहने का मतलब ये एक फ्लैंज सेक्शन बन रहा है अभी हमें। और सपोज़ यहाँ पे कहीं कॉलम का एंड है, हैंज्ड है, तो अभी हमें ये वाली लेंथ पता है, ये है 4.5 मीटर। हमें चाहिए हिंज पोर्शन से या कॉलम के बॉटम एंड से इस जो आपका जो बीम बन रहा है इसके सेंट्रल लाइन तक की डिस्टेंस। तो अभी हमें यहाँ तक पता है, अब इसका सी जी कहीं पर लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो हमें कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में क्या करना है, 4.5 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये थिकनेस हमें पता है कितना है, 125 है, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद जो ये सी जी आएगा ये माइनस कर देंगे, तो बीम के सेंट्रल लाइन तक की हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ कॉलम अप टू सेंट्रल लाइन ऑफ बीम। तो यहाँ पे 4.5 ऑलरेडी है अपने पास, प्लस 0.125, उसके बाद जो बीम की डेप्थ है उसका हाफ हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, 0.65 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.3 मीटर। ओके, अब हमें इस पोर्टल फ्रेम को एनालाइज करना है। यहाँ पे हमें ये लेंथ पता है, जब एक्चुअल लेंथ है जिसके साथ हमें कैलकुलेशंस करना है वो वैल्यू है यहाँ से 4.3 मीटर। लेंथ भी हमें चाहिए होगी, कॉलम की लेंथ, बीम की लेंथ, जब हम एनालाइज करेंगे स्टिफनेस कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे लेंथ हम रिक्वायर्ड होगी। तो इस पोर्टल फ्रेम में अब अभी एक पैरामीटर हमें पता नहीं है, जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। कॉलम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और बीम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, दोनों के लिए अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि इन दोनों सेक्शंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, तभी हम आगे का काम कर पाएंगे, या फिर हम बाद में भी कैलकुलेट कर लेंगे जब जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो जब हम इनका एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट चाहिए होगा कि एंड पे कितने मोमेंट आ रहे हैं, तो इनकी नेमिंग कर देते हैं पोर्टल फ्रेम की, ए बी सी डी। यहाँ पे यूडीएल फॉर्म में लोड अप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, 38.662 किलोन्यूटन पर मीटर आई है। अब यहाँ पे एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेप मेंशन कर देते हैं, स्टेप सपोज 4 है। अब 4th स्टेप में हम एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो अपन को फिक्स्ड एंड मोमेंट चाहिए, फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट MF, अगर BA की बात करें तो कितना मोमेंट आएगा, एक ये जॉइंट है, एक B का जॉइंट है, एक C जॉइंट है और एक D जॉइंट है, तो A पे तो मोमेंट जीरो होगा क्योंकि ये हिंज्ड है, D पे भी मोमेंट जीरो होगा, जो मेन सपोर्टेड वाले पॉइंट्स हैं या जॉइंट्स हैं वो B और C हैं, B और C पे कुछ ना कुछ मोमेंट हमें मिलेगा, तो एक्चुअली हम यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो MF BC फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब ध्यान होगा आपको केस जब आपके पास कोई फिक्स्ड बीम हो, इसमें UDL अप्लाई हो रहा हो और अगर हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना हो MF, सपोज ये B है ये C है, तो MF BC और यहाँ पे जो मोमेंट अप्लाई होगा वो ये होगा MF CB, एंटी क्लॉक वाइज है ये, तो नेगेटिव वैल्यू आती है। अब इस केस के लिए होता है WL स्क्वायर बाई 12 और ये क्लॉक वाइज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इस केस के लिए इसमें मोमेंट हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 12 प्लस में, तो वैल्यू सेम होगी दोनों की, बस उनका नेचर अलग अलग होगा तो साइन उनके डिफरेंट आएंगे। तो MFBC की अगर बात करें तो ये माइनस WL स्क्वायर बाई 12 माइनस, W की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 38.662, लेंथ अपने पास है 9 मीटर 9 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी B पे 261 माइनस 261.0 किलो न्यूटन, मूवमेंट है तो यूनिट होगी किलो न्यूटन मीटर। इन द सेम वे MF CB भी कैलकुलेट करेंगे, तो MF CB की वैल्यू हो जाएगी MF CB, सेम वैल्यू होगी बस साइन चेंज होगा WL स्क्वायर बाई 12, तो यहाँ पे भी आपको प्लस 261.0 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट मिलेगा। अब जॉइंट पे मोमेंट सेम रहेगा, ठीक है ना, अगर हम इस बी जॉइंट पे बात करें BC और BA की, तो यहाँ पे जॉइंट पे मोमेंट सेम रहेगा बस उनका नेचर अलग होगा, अगर यहाँ पे BC माइनस 260 बना रहा है तो BA प्लस 260 बनाएगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन होगा, इसमें कोई रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सेम इधर भी होगा, तो BA और CD दोनों सेम मोमेंट होंगे राइट, उसी कॉन्सेप्ट से। तो हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लिए हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोसेस। फिक्स्ड एंड मोमेंट मिलने के बाद हम फिर कैलकुलेट करते हैं स्टिफनेस, क्योंकि हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, तो सेकेंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है स्टिफनेस। स्टिफनेस होता क्या है, यूनिट रोटेशंस के लिए जितना भी यूनिट रोटेशन या यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना भी फोर्स या मोमेंट रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टिफनेस। तो स्टिफनेस कैलकुलेट करने से पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं आई ए बी एंड आई बी सी। आई ए बी आपका कॉलम है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको पता है, तो यहाँ पे और रेक्टेंगुलर है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाएगी क्या होता है बी डी क्यूब बाई 12, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 500 क्यूब बाई 12। और अगर आई बी सी की बात करें तो ये भी रेक्टेंगुलर है बीम, उसका भी डायमेंशन हमें पता है, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 650 क्यूब बाई 12। अब ये दोनों वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते, इसको मत करो, आगे हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब हम कोई भी फ्रेम एनालाइज करते थे तो वहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहता था वो कुछ इस पैटर्न पे दिया रहता था, इस तरीके से कुछ दिया रहता था, ठीक है, दोनों एक दूसरे में रिलेशंस के फॉर्म में लिखे होते थे, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे ताकि आगे चल के कैलकुलेशन हमारी इजी हो। तो कुछ नहीं करना है, आई ए बी डिवाइडेड बाई आई बी सी करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू ये सब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल बचेगा 500 डिवाइड बाई 650 क्यूब, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई ए बी डिवाइडेड बाई
IBC आपके पास बचेगा 2.197। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। उसके बाद अगर हम आई ए बी को एज्यूम कर लें आई, देन इस रेशियो से आप आई बी सी को आई ए बी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 2.197 आई। तो अगर आपने इसको आई एज्यूम किया तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2.197 आई। अब ये वही कंडीशन बन गई जो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते थे, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया है दोनों कंपोनेंट का, बीम का भी कॉलम का भी। अब आगे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टिफनेस, लेंथ भी अपने पास है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जब हम स्टिफनेस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे दो मेंबर हैं ए बी और बी सी। अगर हम बी जॉइंट पे जाएं, जॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो स्टिफनेस को हम के से डिनोट करते हैं। सो के ए बी, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं के बी ए। तो के बी ए यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब जो फाल जो एंड है आपका, अगर वो हिंज्ड है, तो वहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई होता है 3/5 आई वाई एल, आई ए बी वाई एल ए बी। तो इस फॉर्मूले से हमें स्टिफनेस मिलेगा। और दूसरा, बी जॉइंट से एक और मेंबर जा रहा है के बी सी। अब बी सी में सी एंड जो है वो फिक्स्ड है, तो उस केस में यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो आई वाई एल अप्लाई होगा। तो आई बी सी वाई एल बी सी, इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम डायरेक्टली स्टिफनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू अपने पास है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी के बी ए 0.1744, 0.1744 आई, आई ए बी की जगह पे आई आ जाएगा। और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी के बी सी 0.244 आई। तो ये दोनों का स्टिफनेस हमें मिल गया है दोनों मेंबर का। यही सेम वैल्यूज आपको मिलेंगी जब सी पॉइंट से हम देखेंगे सी बी और सी डी के लिए। तो किसी एक का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी दोनों सिमेट्रिकल हैं तो वो वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, बी जॉइंट और सी जॉइंट के लिए। अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो एक तो होता है मेंबर, यहाँ पे होता है स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इस तरह की टेबल हम बनाते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। एक और यहाँ पे आता है जॉइंट, जॉइंट में सपोज बी जॉइंट से कितने मेंबर हैं, तो यहाँ पे बी जॉइंट से आपके पास बी ए और बी सी मेंबर हैं। बी ए का स्टिफनेस हमने कैलकुलेट कर लिया है, बी सी का स्टिफनेस भी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे इनका टोटल स्टिफनेस कैलकुलेट कर लें, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर लें। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू होता है उस मेंबर का स्टिफनेस डिवाइड बाई टोटल स्टिफनेस, राइट। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा ए बी के लिए और बी सी के लिए, तो ए बी के लिए वैल्यू आएगी 0.416 और बी सी के लिए होगा 0.584। आपने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ये आप कैलकुलेट कर चुके हो स्टिफनेस दोनों का, टोटल मीन्स इन दोनों को ऐड करना है आपको। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो मेंबर का स्टिफनेस डिवाइड बाई टोटल स्टिफनेस, तो ये वैल्यू आपकी 0.416 और 0.584 आएगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी मिल गया तो आगे चलते हैं और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की जो नेक्स्ट स्टेप है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे जो भी अपने पास मेंबर हैं या जॉइंट, ए बी सी डी, इनको कंटिन्यू करते हैं। ये तो जॉइंट हो गया, उसके बाद मेंबर, यहाँ पे दो से ज़्यादा दो मेंबर हैं या दो से ज़्यादा मेंबर हैं, यहाँ पे इनके लिए
यहाँ पे एक BA के लिए और BC के लिए, यहाँ पे CB के लिए और CD के लिए, ठीक है, दो वैल्यूज मिलेंगी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। BA के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो आया है 0.416 और BC के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो आया है 0.584। सेम इधर आया है CB के लिए 0.584 और CD के लिए 0.416। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आए हैं। उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट लेते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये जीरो आया है। ये जो वैल्यू आई है अपने पास, ये यहाँ पे -261। यहाँ पे मैं आपको बस प्रोसीजर समझाऊँगा, बाकी काम आपको खुद ही करना है। देन यहाँ पे +261 और यहाँ पे जीरो, तो ये मोमेंट आए हैं अपने पास। अब यहाँ पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं, अगर यहाँ पे भी कुछ मोमेंट होता तो इन दोनों को ऐड करके उनके साइन को चेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट करना है हमें, राइट। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है जीरो, इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको फिर 0.416 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 108.6। यही काम यहाँ के लिए करेंगे, 261 का 0.584 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 152.4। सेम इधर भी वही करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे जीरो, सॉरी यही वैल्यू मिलेगी 261, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -152.4 और यहाँ पे मिलेगा -108.6। अब यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट ले जाना पड़ेगा दूसरे एंड पे, 50% कैरी ओवर होता है, राइट। तो इस वाले मोमेंट का इधर, ये आपका एक स्टेप पूरा हो गया, इस वाले मोमेंट का कैरी ओवर आपका इधर आएगा और इस वाले मोमेंट का कैरी ओवर इधर जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे 76 -76.2 और सेम इसका इधर आएगा +76.2। सेम प्रोसेस फिर से अप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करके साइन चेंज करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और यही काम यहाँ के लिए करना है, वही यहाँ पे भी करना है, इन दोनों को ऐड करके साइन चेंज करके ये वैल्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके गेन करनी है। ये हमें तब तक करना है जब तक कि जीरो या उसके आसपास की वैल्यू हमें ना मिल जाए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल मूवमेंट करेंगे तो बाकी प्रोसेस आपको खुद ही करनी है टोटल। अब यहाँ पे जितने भी मूवमेंट आए उनको ऐड करना है, तो ए पे हमें जीरो ही मिलेगा, यहाँ पे मूवमेंट अपने पास आ जाएगा 153.28 और यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी बट अलग साइन के साथ 153.28, यहाँ पे भी यही वैल्यूज मिलेंगी 153.28 और इधर भी हमें 153.28 माइनस साइन के साथ। तो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को चेक करने का तरीका है कि जंक्शन पे दोनों साइड में मोमेंट सेम होंगे बट उनका नेचर अलग अलग होगा, तभी वो उस जंक्शन को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर पाएंगे। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है और यहाँ तक आपको फाइनल वैल्यू तक आना है। तो जो सपोर्ट पे मूवमेंट, यहाँ पे हमें जो मूवमेंट मिले हैं सपोर्ट मूवमेंट हैं, राइट। ये जो मूवमेंट है ये बी सपोर्ट पे है और ये जो मूवमेंट है ये सी सपोर्ट पे है। अब ये बी ए और बी सी, ये सी बी और सी डी, इस तरीके से ये मूवमेंट मिले हैं हमें। उसके बाद जब हम इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो सपोर्ट मूवमेंट तो हमें इन मेथड से मिल जाता है, उसके बाद स्पान मूवमेंट पे हमें कैलकुलेट करना होता है। और स्पान मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसको हम सिंपली सपोर्टेड मानते हैं, उसके लिए जो भी मोमेंट वैल्यू आती है वो कैलकुलेट करते हैं और दोनों को ओवरलैप करते हैं। उसके बाद जो नॉन ओवरलैप पोर्शन होता है वो हमारा एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट होगा, उसी के हेल्प से हम स्पान मोमेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें स्पान मोमेंट तो मिल गया है, स्पान पे मैक्सिमम मोमेंट 153 आ रहा है। अब उसके नेचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे एज सपोर्ट
सॉरी सपोर्ट मोमेंट मिला है हमें भी, मोमेंट एट सपोर्ट, ये वैल्यू है 153.28 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके साथ ही हमें स्पान पे भी मोमेंट चाहिए, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट स्पान, मिड पे ही आएगा मैक्सिमम, तो मिड स्पान भी बोल सकते हैं। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखना, अगर हम फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड बीम के लिए जब बेंडिंग मोमेंट प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो हम सपोर्ट मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, सपोर्ट मोमेंट में नेगेटिव वैल्यू हम अपर साइड दिखाते हैं, तो सपोज ये 153.28 हो गया और यहाँ पे ये 153.28 हो गया, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो अभी हमने सपोर्ट मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, उसके बाद जब हम इस बीम के लिए सिंपली सपोर्टेड स्पान मोमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो इनको एंड्स को सिंपली सपोर्टेड एज्यूम कर लेंगे, और उस केस में यूडीएल के केस में जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो आता है WL²/8 और वो पैराबोलिक होता है, तो ये वैल्यू होती है WL²/8। अब हमें जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट होता है वो ये नॉन ओवरलैप्ड एरिया रहता है, ये हमारा एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट होता है, ये कुछ नहीं रहता, तो एक्चुअल में स्पान पे ये वाला बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा, तो इतना वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, ये है 153.28 यहाँ पे, तो जो टोटल वैल्यू होती है WL²/8 उसमें से अगर हमें 153 माइनस कर दें तो हमें ये इफेक्टिव जो मिड स्पान पे मोमेंट है ये मिल जाएगा, तो यही हम यहाँ करने वाले हैं, WL²/8 माइनस 153.28, W अपने पास आया था 38.662 इंटू लेंथ जो है वो है 9 मीटर की, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 153.28। जब हम इसको कंटिन्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 238.18 किलो न्यूटन मीटर, तो ये स्पान का या मिड स्पान का मोमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सपोर्ट पे भी मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है और स्पान पे भी मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि आगे हम जब डिज़ाइन करेंगे तो दोनों मोमेंट के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, स्पान के लिए भी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे और सपोर्ट के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों का रिस्पेक्टिव बेंडिंग मोमेंट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉलम पे भी लोड चाहिए, राइट, और हमें शियर फोर्स भी चाहिए, शियर फोर्स कितना आ रहा है, शियर के लिए भी डिज़ाइन करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स, तो अगर हम सिर्फ बीम की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ अगर बीम को कंसीडर कर रहे हैं तो बीम में एक यहाँ पे ये रिएक्शंस आएगी, राइट, एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा यहाँ पे, सपोर्टेड है, फिक्स सपोर्ट है, और एक मोमेंट होगा। मोमेंट की वैल्यू हमें पता है 153.28, ये जो वर्टिकल रिएक्शन है RV1 और इधर जो वर्टिकल रिएक्शन है RV2, इस मोमेंट की वैल्यू भी पता है, ये हॉरिजॉन्टल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इनका कोई जीरो वैल्यूज मिलेगी, और यहाँ पे UDL लोड है 38.662। तो इस केस में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करके हम डायरेक्टली ये रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार हमें रिएक्शंस मिल गई तो हमें शियर फोर्स भी मिल जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट पे ही मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा, तो हम सपोर्ट पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, कहीं और भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं बट सपोर्ट पे ही मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करके रिएक्शंस कैलकुलेट कर लें और वही रिएक्शन यहाँ पे हमारे लिए शियर फोर्स की इक्विवेलेंट होगी। तो अब ये आप सभी को आता है, यहाँ पे सबसे पहले हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर समेशन ऑफ मोमेंट किसी एक पॉइंट को फिक्स करेंगे, सपोज़ ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो किसी भी एक पॉइंट बी पॉइंट के अबाउट इक्वल टू जीरो करेंगे और मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो एक रिएक्शन हमें मिल जाएगी और ये इक्विवेलेंट है, सिमेट्रिकल है, तो दूसरी भी उसी के इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर ये इक्वेशन को हम सेट करते हैं तो यहाँ पे RV1 प्लस RV2 इक्वल टू
38.66 इंटू जो भी लेंथ है आपकी ये 9 मीटर की इंटू 9 करके कैलकुलेट कर लेंगे। पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन समेशन ऑफ एम बी, बी के अबाउट मोमेंट का सम इक्वल टू 0 करना है, या सी के अबाउट, किसी के अबाउट भी कर सकते हैं। तो अगर हम बी के, सपोज बी के अबाउट करते हैं, तो बी के अबाउट आर वी वन उसी पॉइंट पे ऐड कर रहा है तो इसका मोमेंट तो 0 हो जाएगा। उसके बाद एक मोमेंट उसमें लग रहा है 153.28, नेचर क्या है उसका, एंटी क्लॉक वाइज। देन यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो यूडीएल किस तरह का मोमेंट देगा बी पॉइंट के अबाउट, अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो डाउनवर्ड लगेगा और इस तरीके से रोटेट होगा, मींस क्लॉकवाइज। तो प्लस 38.66 इंटू 9, उसके बाद उसका हाफ डिस्टेंस 9/2। देन यहाँ पे जो आर वी टू है इसका भी मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आर वी टू इंटू 9। उसके बाद एक मोमेंट इधर भी है क्लॉकवाइज में, तो प्लस 153.22 इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे डायरेक्टली आपको आर वी टू की वैल्यू मिल जाएगी और यही वैल्यू आपके लिए आर वी वन की भी होगी। और अल्टीमेटली जब शेयर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आपके लिए शेयर फोर्स भी के इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ से जब ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ पे जो हमें शेयर फोर्स मिलेगा ये वैल्यू अपने पास होगी 174 किलो न्यूटन, राइट। तो इस शेयर फोर्स के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, जब हम शेयर डिज़ाइन करेंगे। तो अभी हमने बीम में बेंडिंग मोमेंट स्पान पे सपोर्ट पे कैलकुलेट किया और बीम के लिए हमने शेयर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट की है। अब अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में एक एक्सियल लोड आएगा और एक हिंज पे हॉरिजॉन्टल भी आएगा। हिंज पे दो रिएक्शंस मिलती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वर्टिकल रिएक्शन तो यही होगी जो यहाँ पे कैलकुलेट की है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और बीम में एक्सियल फोर्स कितना आ रहा है वो देखना पड़े, सॉरी कॉलम में। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉलम की। तो सबसे पहले एक्सियल लोड ऑन कॉलम, तो सिंपल सी बात है, अगर ये आपका पोर्टल फ्रेम है, यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है, यहाँ पे भी एक रिएक्शन लग रही है, ये रिएक्शन यहाँ पे जाके बीम में भी एक्ट करेगी, तो ये रिएक्शन किसके इक्विवेलेंट होगी, ये कॉलम पे आने वाले एक्सियल लोड के ही इक्विवेलेंट होगी। तो जो हमने अभी रिएक्शन कैलकुलेट की है वही कॉलम के लिए एक्सियल लोड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 174 किलो न्यूटन। उसके बाद यहाँ हिंज है तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगी, तो इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं शियर फोर्स एट हिंज या एट बॉटम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम केवल इस कॉलम को पिक करें तो ये कॉलम की प्रोफाइल कुछ ऐसा है, ये है आर एच और यहाँ पे एक मोमेंट एक्ट कर रहा है, ये लेंथ हमें पता है 4.3 मीटर है। कुछ नहीं करना है, बस किसी एक पॉइंट के अबाउट, ये आपका ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट का सम लेना है इक्वल टू 0 करना है। तो बी पॉइंट के अबाउट लेंगे क्योंकि हमें आर एच चाहिए, अगर ए पॉइंट के अबाउट लेंगे तो आर एच इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका मोमेंट, तो इक्वेशन में कहीं आर एच रहेगा नहीं तो हमें आर एच मिलेगा नहीं। तो बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 कर लें मोमेंट का सम, तो एक तो समेशन ऑफ एम बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर एच, बी पॉइंट से डिस्टेंस है इसकी 4.3, इसका नेचर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद देखो ये मोमेंट था बी सी के लिए इस तरीके का, ठीक है ना, जब हम बी ए के लिए देखेंगे तो उसका नेचर अलग होगा, सपोज ऐसा। तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 153.28 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपन को आर एच की वैल्यू भी मिल जाएगी और ये हो जाएगी 35.65 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से एनालिसिस में हमने सारे पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए हैं और यही हमें यूज़ में आएंगे डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर सिंपल हम इनकी समरी यहाँ पे पुट आउट करें, तो हमने अभी तक डिज़ाइन किया है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट स्पान ऑफ बीम, ये आया है अपने पास 238
238.18 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, ये वैल्यू आई है 153.28 किलो न्यूटन मीटर। देन शियर फोर्स एट बीम एंड या बीम सपोर्ट, ये वैल्यू है 174 किलो न्यूटन। देन एक्सियल फोर्स फॉर कॉलम, ये वैल्यू भी अपने पास है 174 किलो न्यूटन। एंड शियर फोर्स एट हिंज, ये वैल्यू अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट की है 35.65 किलो न्यूटन। तो ये कंप्लीट समरी है जो हमने नाच करके कैलकुलेट की है। तो अल्टीमेटली हमें इन्हें ही कैलकुलेट करना था और इन्हीं की हेल्प से हम आगे डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।